नमस्कार और आदाब। सनीचर है, आज सितंबर की 11 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन की खबरें। मिनिस्टर दिनौता फोर्शवेग नया मिनिस्टर खेबी वे खोंग बलैद और बॉस बहेर का ये पॉजिटिव टेस्ट हुए है कोविड से। ये खबर इस हफ्ता में बाहर आए है। फॉलोस कम्युनिकेशन का डायरेक्टर हम्फ्री दुंदास ये जानकारी हमें दिए है और ये भी बताया गया है कि डायरेक्टर मेरेडिथ फिटोली जो है ये भी पॉजिटिव टेस्ट हुआ है। ये इस वक्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लोग कर रहे हैं, या जब ये पता चला कि ये सब पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू किए हैं, किन लोगों से ये सब मिले हैं। और ख़ासतौर पर सेक्रेटरियातन जो है मिनिस्टर का और डायरेक्टर का, यहाँ पर लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। ये कोविड का समस्या जो है सूरीनाम देश में दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। अगर सही फर्श आप फॉलो किए हैं, आप न्यूज़ सुनते आए हैं, तो ये पता चल गया है कि काफ़ी बसमैतिंगन पिछले दिनों में लोग नोट किए हैं। और हम आपको बता दें कि कल शुक्र सितंबर के 10 तारीख एक रिकॉर्ड अंताल बसमैतिंगन थे, सबसे ज़्यादा बसमैतिंग थे एक दिन के अंदर अब तक जो हुआ है सूरीनाम देश में। और ये है 575 पॉजिटिव खतेस्तन थे कल के वास्ते, ऐसा बेशतर कभी नहीं हुआ है एक दिन के अंदर। कल 4 लोगों का देहांत हुआ है। इसके साथ हम आपको बता दें सितंबर महीना के वास्ते 35 लोगों 500 तक लोगों का देहांत हो चुका है कोविड से। और टोटल आंताल दो दिन सूरीनाम देश में अब तक कोविड से 705 तक है। बीते हुए बीफे को प्रेस कॉन्फ्रेंसी लगाया गया है। सरकार के लोग और मेदी ससौरख के लोग जो है इसमें हिस्सा लिए हैं और जानकारी दिए हैं जनता को। ये जो कोविड प्रेस कॉन्फ्रेंसी लगाया गया है, इसमें ख़ास तौर पर बताया गया है कि सूरीनाम देश इस वक्त फिर द खौलफ में है, जबकि दर्द खौलफ अभी ठीक से ख़त्म नहीं हुआ है। तो फिर द खौलफ में हम हैं और वैक्सीनेर करना अभी तक सबसे ख़ास चीज़ है इस कोविड से बचने के वास्ते। तो लोगों को पुकार किया जाता है जाकर वैक्सीनेर करने को। जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेर करेंगे, उतने कम लोग सिकन हाउस में लोगों को दाखिल करना पड़ेगा इलाज के वास्ते। और सिकन सौरख पर जो है मेदी से सौरख पर दबाव भी कम होगा, जो द्रुक है सौरख पर ये कम होगा। वैक्सीन सूरीनाम देश में काफ़ी है, आप खुद चॉइस कर सकते हैं कौन से वैक्सीन आप लेना चाहते हैं। तो इसके कोई कमताई नहीं है। बात यह है, यह बताया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर कि लोगों को ये वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। बहुत से लोग कुतुरेल ऑफिंगन के वजह से नहीं जाते हैं वैक्सीनेट करने के वास्ते। और जो सोशल मीडिया पर लोग बातें फैलाते रहते हैं और कहा जाता है कि गलत बातें हैं, ये सब सच नहीं है, इस पर बहुत से लोग गौर करते हैं और नहीं जाते हैं वैक्सीनेर करने के वास्ते। इन्फेक्सियोलॉजिकल वॉइटिस जो है ये सही फर्श पेश किए हैं और ये बताए हैं कि ये जो डेल्टा फरियाम थे ख़ास तौर पर ये फैल रहा है सूरीनाम देश में बसमैतिंगन डेल्टा फरियाम के साथ। सूरीनाम देश में 360 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, इसमें से लगभग 105 लोग फलीदक वैक्सीनेट पूरा तौर से वैक्सीनेट हो चुके हैं। इंटरनेस और इंटेंसिफेस बर्नार्डो पंका जो है ये कहते हैं कि सूरीनाम देश में भी स्पेशलिस्ट पर्सोनल की कमताई है कोविड सौरख के वास्ते। इस वक्त कोविड सौरख सिर्फ रेगुनाल सिकन हाउस वानिका अकादेमी सिकन हाउस परमारिबो और स्लंस हॉस्पिटल में लोगों को दिया जा सकता है। और इंटेंसिव सौरख इंटेंसिव केयर यूनिट पर लोगों को सिर्फ अकादेमी सिकन हाउस परमारिबो में और स्लंस हॉस्पिटल में लोग रख सकते हैं इलाज के वास्ते। अगर पलंग नहीं काफ़ी नहीं रहेगा तो कोविड पेशेंटन को लोग मदद भी नहीं कर पाएंगे, इलाज नहीं कर पाएंगे। बाकी के लोग जिनके लिए जगह अस्पताल में नहीं है, इन लोगों को तर्स क्वारंटाइन में रखा जाता है। और लगभग 2000 लोग ही जो तर्स क्वारंटाइन में है। अगर ये सब रेखल्स पर गौर नहीं करेगा तो क्या होता है कि पूरा परिवार के लोग जो है जो एक घर में रहते हैं, सभी लोग पॉजिटिव टेस्ट होते हैं, सभी लोग बसमैत होते हैं।
सुनीता ननन पौंदी गोपी सिंह जो मेरी स्थिर त्योरस लॉन्स हॉस्पिटल का कहते हैं कि आने वाले दिनों में और दूसरे तरीका से लोगों से कम्युनिकेट किया जाएगा, इन लोगों को दूसरे तरीका से और ज़्यादा तरीका से इन लोगों से बातचीत किया जाएगा और जानकारी दिया जाएगा। ये कोविड का जो समस्या है ये सूरीनाम देश में दिन पे दिन बढ़ता जाता है। और ये बात भी मैं आपको बता दें कि डायरेक्टर फॉलक्स कोसोंथेट का ये कहा है, फॉलक्स कोसोंथेट का डायरेक्टर जो है ये कहा है कि अगर ये हालात इस तरह से रहेगा और बस मैथिंगन बढ़ता जाएगा और लोगों का देहांत होगा तो हो सकता है, मुमकिन है कि ये जो कोविड का मातृकलन जो है ये फिर से बढ़ा दिया जाएगा। अभी तक ऐसा फैसला सरकार नहीं लिए है, प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। 478 किलोग्राम ड्रग्स के मामला में हम आपको पेशतर बताए थे कि एक स्त्री एक डोमिनिकन से ये सांताना एस गिरफ्तार हुए थे। जिस वक्त पुलिस वहां पर ओंदरशुक के लिए गए हैं खराश में उस मकान का जहां पर ये स्त्री मौजूद था, जिस खराश में एक गाड़ी था और गाड़ी में कोकाइन था, कोकाइन कब्जे में लिया गया है और घर में जब लोग अंदर गए हैं तो ये स्त्री वहाँ पर मौजूद था। इसको पुलिस गिरफ्तार किए है और इनसे पूछताछ किए है। पूछताछ करने के बाद इनका यही बयान था कि इसको इस ड्रग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उस मकान में वो रहती थी लेकिन सिर्फ वो एक कमरे वहाँ पर एक कमरा किराया पर लिए थे और इसलिए वहाँ पर मौजूद था। घर का मकान का मालिक जो है इसका भी अता पता नहीं है, पुलिस इसका तलाश कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दें कि एडवोकेट हेमराज मतौली जो है ये डोमिनिकन सांताना एस के जो वकील है इनका इन्फ्रेहेड सेलिंग का मांग किए है, गुजारिश की है जज से इनको रिहा करने के वास्ते। जज इस पर गौर किए है लेकिन फैसला अभी तक नहीं लिए है। बहंदलिंग हुआ है लेकिन फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। एक खरखतलक फोर ओंदरसुक चल रहा है एक्स डायरेक्टर दानियाला फेरा के खिलाफ डायरेक्टोरेट नेशनल फेलखेट का। ये बताया गया है कि जिस वक्त जिस समय ये डायरेक्टर था डी एन फी का, उस समय लोगों को बैचेस दिया गया है, यानी बवेस दिया गया है कि ये सब अपने पास वापस यानी हथियार रख सकते हैं। ये फ्यूर वापस जो है लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब फ्यूर वापन पशस इन लोगों को दिया गया है। ये मामला जब बाहर आई है तो ओपन बार मिनिस्टेरी इस पर खोजबीन किए है और ये पता चला है कि ये मख्तहिंगन जो दिया गया है ये उस समय में हुआ है जब दानियाल फेरा वहाँ का डायरेक्टर था। ये भी पता चला है के खरखतलक फोर ओंदरसुक हो रहा है दानियाल फेरा के खिलाफ, ये देखने के वास्ते कि क्यों इन लोगों को यानी जिन लोगों को ज़रूरी नहीं था और जिसके लिए इजाज़त भी नहीं था, क्यों इन लोगों को ये वापन बैचेस दिया गया है कि ये सब अपने पास फ्यूर वापन्स यानी हथियार रख सके। हम आपको ये बता दें कि बहुत से लोग लगभग 100 लोगों को लोग पूछताछ के वास्ते इन लोगों से पूछताछ किए हैं और इन लोगों के पास जो बैचेस और हथियार यानी वापन्स फ्यूर वापन्स थे ये कब्जे में लिया गया है और वाप जो बैचेस था इन लोगों को वापस देना था, ये फ्यूर वापन बैच जो है वापस करना था। ये लोगों से भी सवाल किया गया है कि क्या जब इन लोगों को बैचेस दिया गया है तो स्टेमिंग मिला है इन लोगों को कि ये सब एक फ्यूर वापन अपने पास रख सकते हैं, क्या इसके लिए लोग पैसा भरे हैं या नहीं। तो अब तक के पूछताछ से लोग बताए हैं कि नहीं, लोग पैसा इसके लिए फेरा को नहीं दिए हैं। ये मामला में खोजबीन हो रहा है। इस मामले के बारे में पत्रिशा एथनल जो एनपीएस का पार्लियामेंटारियन ये सवाल किए हैं और कहते हैं अगर ऐसा हुआ है तो इस बारे में वो और खुलासा चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पंचघर में इस बारे में बातचीत किया जाए और ये बातचीत जो होना चाहिए इस मामले के बारे में ये बखरोतिंग्स बहंदलिंग से पहले या माफ़ करना या रेद से पहले प्रेसिडेंट संतोखी के या रेद से पहले जो अक्टूबर की पहली तारीख को है इससे पहले हो जाना चाहिए। वैसे ये भी कहा गया है कि बातचीत भी करना चाहिए एबीएस के तारीफन के बारे में, लोग भी चाहते हैं जितना जल्द हो सके पंचघर में इसमें बातचीत किया जाए।
खसाम लेकर फकबवे ही जो है ये सब एक प्रस्ताव रखे थे सरकार के सामने। 11 पॉइंट्स था, इन लोगों का 11 मांगे थे जो पूरा करना था, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी विदेश जाने से पहले, इस वक्त वो हॉलैंड में है, हॉलैंड जाने से पहले इन लोगों से बातचीत किया था और ये वो एक तीख फोर्स दिए थे अपनी तरफ से। सरकार एक प्रस्ताव इन लोगों के फकबोंदन के सामने रखे थे जिसमें कहा गया है कि जो इस वक्त का होंदित एसएडी कुछ कॉम्पेंसेशन अमतनारन लंस दिनारन को मिलता है, सरकार ये बढ़ाना चाहते हैं 600 एसएडी तक, मतलब 500 फेफ होंदित एक्स्ट्रा एसएडी इन लोगों को मिलने वाली है। लेकिन जो फक बवेहिंग है बोंदन जो है ये कहा है कि इस बात पर लोग अपने लोगों से बातचीत करके इस पर जवाब देने वाले हैं। जवाब अब आ गया है। खबसाम लेकर जो फक बवेहिंग है ये सब बातचीत करने के बाद ये ऐलान किए हैं कि लोग सहमत नहीं है, सरकार के यह प्रस्ताव से लोग सहमत नहीं है। जो 11 पॉइंट्स का मांग था इन लोगों को ये अभी तक लागू है, अभी तक लोग चाहते हैं कि जो मांग था ये पूरा किया जाए। सरकार को खसाम लग फकबवेहिंग जो है कहते हैं कि ये सब दिसंबर 2021 मतलब इस साल के अंत तक मुहूर्त समय दे रहे हैं फिस्काल स्फेयर में जो मातृहरण लाना है लाने के वास्ते, लेकिन ये जो बाकी के इन लोगों का मांग जो ऐसन है ये सब कहते हैं कि अभी तक लागू है। ये सब जितना जल्द हो सके चाहते हैं कि मिनिमम यूरलोन तय किया जाए और आर्मूद खरेंस भी तय किया जाए। आगे में ये ऐसे पैकेज जिसमें 11 पॉइंट्स हैं, इसमें मांग है कि एक ही दम जितना जल्द हो सके, और मितलक लोग कहा है कि ये सब चाहते हैं। एक तेख बहुत से फिर फाकबौत आए हैं कि कोष कॉम्पेंसासी 600 नहीं 600 नहीं लेकिन 1100 किया जाए, मतलब लंस दिनारन को 1100 एलेफोंडिट का कोष कॉम्पेंसेशन मिले। तो इस बारे में जो बातचीत होगा, प्रेसिडेंट जब वापस सूरीनाम देश आएगा तो लोग आगे बातचीत करेगा, लेकिन जो ऐसे पैकेट में बाकी के जो मांग है, राफक्सूर कहते हैं कि इस बारे में बातचीत करना है या ऐसे पैकेट त्रिपातित और खान के साथ बातचीत करना चाहिए, लेकिन त्रिपातित और खान जो है अभी तक नहीं ठहराया गया है। तो ये जब त्रिपातित और खान ठहराया जाएगा तो बाकी के पॉइंट्स जो है ये इन लोगों के ऐसे पॉकेट में इस बारे में बातचीत होगा। आपको ये हम बता दें कि ये खत जो है फक बोंदन का, ये दस्तखत किए हैं मुदर बोंद से सेफन फेयर तक पे वी ओ ओसाफ और फल से ओ सी एल ओ जो है ये ऐसे पैकेट जो है या मांग जो है फक बोंदन का ये खत ये दस्तखत नहीं किए हैं कि क्योंकि यहाँ पर एक इंटरन स्ट्रेट चल रहा है। वहाँ पर दो फक बोंदन है, एक रोनाल्ड होखार्ट के निर्देशन में जो पुराना फोर्सेटर था और अभी हाल ही में फर्की सिंह के बाद माइकल मिस्किन नया फोर्सेटर चुना गया है। दोनों ये क्लेम करते हैं कि दोनों वहाँ का फक बोंद लीडर है और फक बोंद इन लोगों के निर्देशन में है। हम जैसे आपको बता चुके हैं सूरीनाम देश का प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस वक्त हॉलैंड में है एक वैरक बसुक पर, और ये वैरक बसुक रहेगा सितंबर के 12 तारीख 12 सितंबर तक, और मतलब ये है कि 13 तारीख को फिर वो वापस सूरीनाम देश आएगा। प्रेसिडेंट संतोखी जो है बुध को ये ऑफिशियल बसुक का हिस्सा जो था 8 और 9 तारीख सितंबर को तो हॉलैंड में मिले हैं हॉलैंड का कोनिंग विलम अलेक्सांडर से, और प्रेसिडेंट इनसे बातचीत किए हैं इनका पैलेस जो है नॉर्थ एंड डेनहाग में। बुध को भी बातचीत हुआ है, प्रेसिडेंट संतोखी मिले हैं हॉलैंड का मिनिस्टर प्रेसिडेंट मार्क रुटे से। सरकार बातचीत किए है और सूरीनाम देश का प्रेसिडेंट ये बताए है कि ये इतिहास ऐतिहासिक मोमेंट है, एक हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा रखेरिंग की तरफ से कोई ऐसे लोग ऑफिशियल बसुक पर हॉलैंड नहीं गए हैं। तो 10 साल से ज़्यादा के बाद अब ये पहली मतवा है कि प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी हॉलैंड गए हैं वहाँ पर सरकार से मिलने को और वहाँ पर बातचीत करने को। इस बातचीत के दौरान दो ओफरेन कॉम्सन दस्तखत हुआ है, एक फॉलक्स को सोनथेट और एक क्योसिटी के क्षेत्र पर। सरकार जो है नया सरकार जो
संतों की ब्रंसवैक है, जब ये सब यहाँ सूरीनाम देश का बागडोर संभाली है, अपने ऊपर लिए है, तो रेसी प्रोसी तैक के कारण अम्बासादोर्स दोनों देशों का ठहराया गया है। और सूरीनाम देश का जो फतेह वोडखर है राजेंद्र खारगी, जो इस वक्त हॉलैंड का अम्बासादोर है, सूरीनाम देश का अम्बासादोर हॉलैंड में है, ये तैयारियां किए हैं प्रेसिडेंट के जो ये वैरक पसुक है हॉलैंड के वास्ते। हॉलैंड का डे मिशनर प्रमेय मार्क रुट से बातचीत हुआ है, और बातचीत करने के बाद प्रेसिडेंट संतोखी ने कहा है कि दोनों देशों का जो संबंध था, पेशतर कहा गया था संबंध ठीक नहीं है, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बातचीत करने के बाद कहा गया है कि दोनों देशों का जो संबंध है पूरा तरह से रिलैक्सी इज फॉर लीगल हेयरस्टाइल। प्रेसिडेंट संतोखी ये भी बताए हैं कि जब वो वापस सूरीनाम देश आएगा तो मुमकिन वो एक निमंत्रण, एक दावत भेजने वाले हैं हॉलैंड का कोनिंग विलम अलेक्सेंडर के वास्ते और प्रमेय रुते के वास्ते सूरीनाम देश में तशरीफ लाने के वास्ते। एक और बात हम आपको बता दें कि प्रमेय रुते से हॉलैंड में बातचीत हुआ है। सूरीनाम जो चाहते हैं कि हम सब फीसम फ्रे सफ़र करें हॉलैंड तक बगैर फीसम के साथ, इस बारे में सवाल किया गया है। इस पर प्रमेय रुते ने कहा है कि ये हॉलैंड इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है, यह यूरोपीय यूनियन का मामला है, यूरोपीय यूनियन पर निर्भर है, यूरोपीय यूनियन इसको इस पर फैसला लेना है, हॉलैंड इस बारे में कुछ नहीं कह सकती है। बीफे को प्रेसिडेंट संतोखी सूरीनाम से डायस्पोरा के लोगों से भी हॉलैंड में बातचीत किए हैं। अमेरिकन एयरलाइंस जो है ये सब हफ्ता में पांच बार उड़ान करने वाले हैं सूरीनाम देश से मायामी और फीसा फेरसा। ये पहला ऑफिशियल फ्लाइट जो है संदरे पर लैंडिंग हुआ है, संदरे पर उतरी है मंगल को। सरकार और भी अमेरिका अमेरिकन एयरलाइंस के लोग जो है ये सब काफ़ी खुश है और कहते हैं कि काफ़ी उम्मीदें हैं, ये उड़ान जब होगा तो बहुत से फ़ायदा होगा, ख़ासतौर पर टूरिज्म, हंडल और साकंदून कारोबार के क्षेत्र पर दोनों देशों का फायदा हो सकता है। इन सेक्टोरन में काफी बदलाव आएगा और तरक्की आएगा और फायदा भी होगा। एक्स प्रेसिडेंट और एक्स लेखर लेदर एनडीपी का फोर्सेटर देसी बौद्ध शोको, आपको पता है कि बीते हुए दिनों में ये इनको फैसला सुनाया गया या इनका मुकदमा में फैसला सुनाया जा चुका था, लेकिन एक फर्स्ट टेक दस्तखत हुआ था इनके वकील के जरिए 8 दिसंबर प्रोसेस में। और आपको पता है कि इनको अगस्त की 30 तारीख 13 अगस्त को फिर से 20 साल का ये कैद का सजा सुनाया गया है, फोनस हो चुका है। जैसे आपको भी पता होगा तो इनका जो वकील है इरविन कन्हाई पेशतर कहा था कि ये फोनस के खिलाफ वो होकर बरूक दस्तखत करने वाले हैं, तो ऐसा भी हो चुका है। सितंबर के 3 तारीख 3 सितंबर को ये जो फोनस है इसके खिलाफ हो खरबरूप दस्तखत हुआ है। इस बारे में और जानकारी हम अगले प्रोग्राम्स में ज़रूर आपको देंगे अगर जानकारी रहेगा। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़। ग्लो टीवी पर तमाम चैनल्स आपको मिलता है। देखिए इंडिया, पाकिस्तान या सूरीनाम का चैनल से, बॉलीवुड का तमाम चैनल से, जिस तरह से बी फॉर यू है, सोनी एशिया टीवी, यूके और डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया मुमकिन है। पाकिस्तान का बहुत से चैनल्स जिस तरह से हम टीवी एक्सेट्रा, और सूरीनाम का रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सभी मजहबी और धार्मिक प्रोग्राम आप भी देख सकते हैं क्रो टीवी पर। इंडिया, पाकिस्तान या सूरीनाम का हो, क्रो टीवी आपके लिए है। तमाम रेडियो स्टेशंस नीदरलैंड, सूरीनाम, यूके, इंडिया और पाकिस्तान का। एंड डोंट फॉरगेट रेडियो संगम देन हाग का आपको भी क्रो टीवी पर मिलता है। कॉन्टेक्ट कीजिए, तारीख नंबर है 0031 6 85 89 08 19। हम दोहरा रहे हैं 06
85 89 08 19 तार की नंबर है कॉन्टेक्ट करने के लिए। क्रॉक टीवी से आप अपने घर पर मजे उठाइए।